नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आज दर्शकों को बातचीत करेंगे, वो है दरअसल जो है अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत पर जिस तरीके से मोदी सरकार ने तंज कसा, जिस तरीके से मोदी जी ने खुद राजस्थान में आकर गहलोत सरकार का जो है कच्चा चिट्ठा खोला, बेटियों को लेकर उन पर हमलावर हुए, कहा कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा, तो उसके जवाब में एक अलग ही कार्ड खेल गए अशोक गहलोत। उसको सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। अशोक गहलोत ने एक अलग प्लान तैयार कर लिया, वो प्लान क्या है जरा गौर से देखिए। पिछले बजट में मैंने घोषणा की थी 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा। उसके अनुसार 1 मई से ये घोषणा प्रारंभ हुई और पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी होगी, उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज है, वो चार्जेज दे जाएंगे। इस प्रकार उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी और अब वो भविष्य के अंदर 100 यूनिट पूरी तरह फ्री, 200 यूनिट अगर बिजली का कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी, उनको अब कोई फिक्स चार्ज लेना पड़ेगा। फिक्स चार्ज से बहुत भारी दबाव पड़ता है परिवार पर और ये फीडबैक मुझे महंगे राज शिविरों में मिला और जो लोग मिलना है उससे उनको चिंता ये थी कि ये फिक्स चार्ज के माध्यम से जो 200 यूनिट तक भी बिजली उपभोग करते हैं उनको भी तकलीफ आएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो परिवार लगभग 1,10,00,000 परिवार है उससे अधिक परिवारों को इस फैसले से राहत मिलेगी। देखा दर्शकों आपने, इससे अब समझ में आ गया कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार के लिए राजस्थान में जितना है इतना आसान नहीं है। भले ही आप वसुंधरा राजे और तमाम लोगों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और वहीं अशोक गहलोत सचिन पायलट के लड़ाइयों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट जितने मजबूत हैं उससे ये नहीं लगता कि शायद ये लोग जो है वहाँ कब्जा कर सकते हैं, शायद कोई फ़र्क डाल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा बिजली फ्री का ऐलान अशोक गहलोत कर रहे हैं और आम लोगों के लिए जो काम करेगा सबको पता है जनता उन्हीं के लिए आती है। देखते हैं राजस्थान में आखिर क्या कुछ होता है। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।